कटक से कटक के बीच में नाम सबसे बड़ी संख्या में यदुवंशी निवास करते हैं। हिंदुस्तान में 22 करोड़ के करीब पॉपुलेशन हमारी है। जिस दिन हम संगठित होंगे उस दिन हिंदुस्तान के तख्ते ताज के ऊपर किसी यदुवंशी का ही अधिकार होगा। ये तो मैं डिस्कशन की भूमि में कहलाता हूँ। दोस्तों, जिसका इतिहास नहीं होता उसका कोई भी आगे भविष्य भी नहीं होता। इतिहास इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। कारगिल की लड़ाई तो एक छोटा सा उदाहरण है जो 65 और 70 साल के बीच में हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को इसका इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। परंतु हम यदुवंशियों की इस बात की जानकारी नहीं है तो किस बात का है। हमने अपनी रेजिमेंट की मांग महासभा के माध्यम से 70 साल से मांगते आए हैं। अभी तक कोई रेजिमेंट हमें नहीं मिली। मुझे विश्वास है कि गुजरात की सरदारी जिसके ऊपर जिस दिन ये पगड़ी बांध के निकल लेगी उस दिन हिंदुस्तान की कोई भी सरकार हमारी रेजिमेंट का गठन करने से रोक नहीं सकती। मैं आह्वान करता हूँ गुजरात की सरदारी का, मैं आह्वान करता हूँ प्यारे बच्चों और सभी विद्यार्थियों का, नौजवान सबके का, कि खड़े हो जाइए और इस मिशन को समझने की कोशिश करिए कि जब तक रेजिमेंट हमें नहीं मिलेगी हमें अपनी वीर गाथाओं से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ उन्हीं का इतिहास बढ़ाया जाता है जिनके नाम के इतिहास में रेजिमेंटें बनी हुई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जिसके साथ में भाले लेके घोड़े पे सवार होकर सैनिक चलते हैं वो भी एक रेजिमेंट है। उसमें रेजिमेंट में केवल 3 जातियों के लोग भर्ती हो सकते हैं, या तो वो जाट समुदाय का हो, या राजपूत हो, या सिख हो। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी कितना भी लंबा चौड़ा कितना भी ताकतवर ना हो भारत के राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। इससे बड़ी शर्मनाक और किसी के लिए क्या हो सकती है। प्यारे दोस्तों, इतिहास में जितने भी आक्रमणकारी आए उनका डट कर मुकाबला अगर किसी ने किया है तो उनके पीछे हमेशा यदुवंशियों का हाथ रहा है। चाहे छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई हो, वो हमारे कुल की थी, और सिखों के 10वें गुरु जब हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार हुए, जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ, तो सबसे पहले लाज बचाने वाले गुरु गोविंद सिंह भी हमारे कुल की, उनकी माता भी हमारे कुल की थी। ये ध्यान रहे कि वीर गाथाएं सिर्फ वीरों की गाई जाती हैं। तभी तो हम यादवों के लिए कहा था गुरु गोविंद सिंह ने कि चिड़ियों से जिसने बाज लड़ाए गिने दांत सिंह शावक के, अरे लपटों में हंस हंसकर नाचे हम बेटे हैं पावक के, पकड़ मौत के जबड़े हमने भरवाया उससे पानी, वो छोड़ा शत्रु कोई नहीं जिसको याद न आई हो नानी, जिसके दांत नहीं तोड़े जगत में ऐसा कोई नाग नहीं, और जिस पर ताल नहीं छेड़ी जमी पर ऐसा कोई राग नहीं। हम उस पूरब के बेटे हैं जो जन्म सूर्य को देता है, हम उस देश के वासी हैं जिसमें सतयुग और त्रेता है, त्याग तपस्या घूटी में हम माता के हाथ पिया करते और तिहा फांसी फंदे हंस हंस कर चूमा करते, अरे देश प्रेम को पुण्य भूमि माने हम ऐसे दीवाने, राष्ट्र प्रेम और उसकी भक्ति पर जल जाने वाले परवाने, राम कृष्ण और गाय का द्रोही या जाने मेरा मरम नहीं, और जो इन तीनों से द्रोह करे फिर उसे छोड़ना धर्म नहीं। ये थी हमारी यदुवंशियों का इतिहास। जरा आत्म चिंतन कीजिए, आत्म विश्लेषण कीजिए कि हम क्या थे और आज क्या हो गए। यदु शिशु सिंहों से खेले, अरे यदुवंशी तो काल जयी है, यदि एक बार उठ जाएगा तो दसों दिशाएं झुक जाएंगी, यदुवंशी तब जाग उठेगा। इसलिए उठो पद्मनी दुर्गा और देवायत के वीर सपूतों, ये ध्यान रहे कि कमजोर का इस दुनिया में कोई भी मित्र नहीं होता, कमजोर का इस दुनिया में कोई भी मित्र नहीं होता। अरे चूहा तक भी मनमानी करता है जब हरी मूर्ति रूप में होता। इसलिए समय आ गया है मेरे यदुवंशी भाइयों, इन सभाओं के माध्यम से हमने एजुकेशन को बढ़ावा देने का कार्य किया है। सबसे पहले शुरुआत हमारे अहिरवाल क्षेत्र से हरियाणा से हुई थी, और उसी की देखा देखी सबसे पहले गुजरात की सरदारी ने हिंदुस्तान में इस तरह के भवन बनाने शुरू